ट्विटर पर ब्राह्मण विरोधी सपा की बातें बहुत तेजी से ट्रेंड हो रही हैं। ट्रेंडिंग में हैशटैग ब्राह्मण विरोधी सपा चल रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि वैसे तो समाजवादी पार्टी विशुद्ध जातिवाद संगठन है, किंतु अब सपा हैशटैग ब्राह्मण विरोधी सपा बन चुकी है। चुन चुन कर पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है। इसके साथ ही वो कुछ फोटो भी शेयर करते हैं। उसके बाद शिवम दीक्षित नाम के एक यूजर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल को टैग करते हुए लिखते हैं कि सपा के टारगेट पर हमेशा से ब्राह्मण ही रहे हैं, ये बात जग जाहिर है, और आज सत्ता में नहीं है तब भी ब्राह्मण को ही टारगेट कर रही है सपा। दिव्य गौरव त्रिपाठी नाम की एक यूजर लिखती है कि अखिलेश राज में इटावा में मामूली सी बात पर ब्राह्मण समाज के परिवारों की महिलाओं और बच्चों तक को मुंह काला करने के बाद उन्हें पूरे गांव में घुमाया गया था। दबंगों के आतंक की वजह से गांव के पूरे ब्राह्मण परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा था। उसके बाद तो उन्हें ट्विटर पर यादव मीडिया की तरफ से ट्रोल किया जाने लगता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से सभी यादव गुट उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि दिव्य गौरव त्रिपाठी एक और ट्विटर करती हैं, जिसमें वो लिखती हैं कि कन्नौज में बीजेपी यूपी के कार्यकर्ता नीरज मिश्रा की सपा नेता अशोक कुमार यादव, अवनीश कुमार यादव, मुन्नू यादव, पप्पू यादव और हरविलास यादव ने हत्या कर दी थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि नीरज ने सपा को बूथ कैप्चरिंग करने से रोका था। वहीं कई सारे यूजर समाजवादी पार्टी का एमएलए का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी का एमएलए कहते हुए दिख रहा है कि उसे ब्राह्मण और क्षत्रियों का वोट नहीं चाहिए, ऐसे ही वो चुनाव जीत जाएगा। देखिए आप ये वीडियो। क्या आपको उनकी वोटों की जरूरत नहीं है? हमारे पास इतना वोट है, मतलब कि आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों की जरूरत? क्षत्रिय खुद ही करूँगी, हमें कहीं नहीं। हम तो वहाँ क्षत्रिय क्यों आदमी ये हम खानदान मुझे खानदान के हैं और जमींदार हैं, सब कुछ ये वोटा है जी। तो क्या आपको ब्राह्मण वोटरों की जरूरत नहीं है? नहीं, हमको जिसकी जरूरत मिलता है वो समझा, वहाँ पर। लेकिन लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं नहीं जाएगी। तो देखा आपने, जिस तरह से ट्विटर पर हैशटैग ब्राह्मण विरोधी सपा इस समय ट्रेंड कर रहा है। कुछ समय पहले ब्राह्मण विरोधी बीजेपी को भी कहा जाता था और योगी आदित्यनाथ को घेरा जाता था। खैर जो भी हो, पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का वोट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब समझना जनता को है कि वो जातिवाद के नाम पर सरकार चुनती है या फिर विकास और सुरक्षा के नाम पर।